हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज दिन है मंडे का और टाइम हो रहा है 5:30 और तारीख है 8। और सुबह के 5:30 बजे मैं उठ गई थी और उठ के देखिए यहाँ पे टहल रही थी। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशनप हुई हूँ और कंघी की हूँ, बस दो काम करके उसके बाद पीछे थोड़ा सा टहल रही थी। मौसम इतना अच्छा हुआ था और सुबह सुबह ना थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा भी लग रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है एकदम से बहुत सुहाना मौसम। लेकिन आप यहाँ बैठ नहीं सकते इसीलिए मैं टहल रही हूँ, क्योंकि आजकल ना बरसात में मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, तो मच्छरों की वजह से ना आप बैठेंगे ना तो फिर सुबह सुबह ना पूरे लाल लाल मच्छर कर देते हैं। तो इस वजह से मैं बैठ नहीं रही हूँ और थोड़ा सा टहल लेती हूँ सुबह में, क्योंकि पूरे दिन तो देखिए काम तो रहता है लेकिन ये जो सुबह वाली चीज़ मिलती है ना, ये फिर ऐसे मतलब अच्छा लगता है कि हाँ एनर्जी टाइप से हो जाता है काम करने के लिए। और मैं ना 6:30 उठती ही हूँ, लेकिन आज ना 5:30 से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि ना इनको कहीं जाना है। एक बार मैंने बताया था ना आगरा कोर्ट में गए थे ये, तो वैसे ही कहीं जाना है इनको कोर्ट वोट में, तो इनको ये 6 बजे तक निकल जाएंगे, तो इनको मुझे पानी चाय यही देना है और नाश्ता और खाना पीना ये बाहर ही करेंगे। और बच्चों को 6 बजे उठाना है, उससे पहले तो बड़ा वाला उठता नहीं है। और नाश्ते में आज मुझे कुछ खास बनाना नहीं था, बड़े वाले लड़का शांतनु जो है वो ना पास्ता लेके जाएगा और देव भी ले लेंगे पास्ता और एप्पल ले लेंगे, तो इसीलिए। और मेरा आज मंडे है तो ब्रेकफास्ट है, तो इस वजह से व्रत है। और हमारे यहाँ व्रत में वही जब तक पूजा पाठ ना करे तब तक मैं चाय भी नहीं लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने अभी अपने लिए चाय भी नहीं बनाई, बस इन्हीं के लिए चाय बनाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो रात में गर्म करके दूध रखी थी फ्रिज में रख दूँगी। और व्रत में ना मैं पूजा वूजा करने के बाद चाय और कुछ भी लेती हूँ, उसके बाद पूरे दिन हम ना मतलब वो वाले रखते हैं फलहार वाले रखते हैं। हमारे यहाँ रात में भी ना कुछ भी नहीं खाया जाता है मंडे में। और उसके बाद ये देखिए घेवर कल ले आई थी, कल संडे था ना, तो कल मैं मिक्सर भी बनवा के ले आई। जितने मेरे छोटे मोटे काम होते हैं ना सैटरडे संडे में बाहर वाले जो काम रहते हैं कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ना फिर 5 दिन बच्चों को स्कूल ले आओ ले जाओ छोड़ो इसी में निकल जाता है, 5 दिन का टाइम नहीं पता चलता। फिर 1 घंटे मान लो शरीर है, आराम भी देना ज़रूरी है, तो इस वजह से ना मैं 5 दिन ही में ही अपने बाहर के जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उनको दे रही हूँ थोड़ा सा घेवर और उसके बाद दे दूँगी चाय। और चाय जो है उन्हीं के लिए बस मैं बनाई, अपने लिए नहीं बनाई हूँ। और मैं ना ब्रश भी अभी नहीं की हूँ, बस मैं ऐसे ना हाथ से ही वो कर ली थी, ब्रश नहीं करती हूँ मैं व्रत वाले दिन ना। मैं यहाँ पे दातुन मिल जाते हैं, दातुन कैसे बताऊँ, नीम के पेड़ की जो डहनियाँ होती हैं, कई लोगों को दातुन ना पता हो तो उससे ही करती हूँ, नीम का हो अमरूद का हो आम का हो तो उसी से करती हूँ। और मतलब व्रत वाले दिन, क्योंकि बोलते हैं ना कि पेस्ट में नमक वगैरह रहता है, तो अपना मन नहीं मानता है, बाकी अगर नहीं मिले तो मजबूरी में देखिए हमें करना ही पड़ता है, और यहाँ मिल जाता है तो हम जो है दातुन ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रात में मैं ना सब्जी भी कुछ ले आई थी थोड़ा बहुत, और आज मेरा व्रत था ना तो इसलिए मैं सब्ज़ी ज़्यादा, और इनको भी जाना था तो सब्ज़ी ज़्यादा नहीं ले आई, थोड़े से सेव भी ले आई थी और टमाटर और प्याज लेके आई थी। तो ये सब तो रेगुलर के हैं चीज़ें ना, ये तो फ्रिज में होने ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, अभी जो है ना ये चले गए हैं, इनको मैं चाय वाय दे दी थी और उसके बाद सब्जी वगैरह फ्रिज में रख के, और यहाँ पे दातुन तोड़ रही थी मैं। और अभी 6:00 बजे थे तो शांतनु को अब उठाऊंगी और पास्ता बॉईल होने के लिए रख दूंगी, और शांतनु और देव दोनों सो रहे हैं। ये दरवाजे के सामने ही था पेड़ इसीलिए मैं चली गई, नहीं तो इनको छोड़ के नहीं जाती, एकदम सामने ही है, नीम का बहुत बड़ा पेड़ है तो इससे मैं, और चिड़ियों की इतनी सुंदर आवाज़ आ रही है सुनिए आप लोग। यहाँ पे दूध भी आज जल्दी ही दे गया है, वैसे 6:30 से पहले नहीं दे जाता लेकिन आज 6 बजे दे गया था, तो मैं यहाँ पे दूध भी लेती आई। उधर से दरवाजे पे थैला टांग देते हैं तो वो बीबी डेयरी से ना दे जाता है दूध, उसमें बीबी डेयरी का एक अकाउंट बना लो, पैसे डाल दो ना तो उसमें आराम से दूध रोज़ दे के जाता है दरवाजे पे, तो लाने वाली जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है कि चलो ले के आना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती सुबह सुबह फिर मार्केट जाओ। और यहाँ पर मैं फिर ना पास्ता बॉयल कर
कर रही हूँ, तो मैं दूध अभी नहीं बॉईल करूँगी क्योंकि दूध है, ये वाला दूध थोड़ी देर के बाद ही कर लेंगे, तो दूध है एक्स्ट्रा में, तो रात वाला उसी से अभी चलेगा बच्चों का काम या चाय वाय का काम। तो यहाँ पे देखिए मैं पास्ता डाल देती हूँ और थोड़ा सा शिमला मिर्च और गाजर है तो ये डाल दूँगी मैं घिस के ना, इसको डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए शांतनु महाराज सो रहे हैं तो इनको उठाने आ गई हूँ, और सुबह में बच्चे इतने अच्छे से, मतलब इतनी नींद आती है इनको, लेकिन उठ जाते हैं, ज़्यादा वो नहीं करता है ये, एक दो बार बोलो ना तो उठ जाता है। और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करना कल भूल गई थी, वैसे मौसम ख़राब था ना तो कपड़े सूखे भी नहीं थे, तो इनको फ़ैन में रखे हैं ना तब सूखे हैं, तो यहाँ पे दोनों के जो है शर्ट और पैंट मैं यहाँ पे प्रेस कर लूँगी। और उसके बाद ये जाएंगे अपने नहाएंगे धोएंगे ब्रश करेंगे जो भी करेंगे, तो अपना ये कर लेते हैं, इनकी टेंशन नहीं है। और उधर मेरा पास्ता बीच में बॉयल हो जाएगा तो उसको भी मैं देख लूँगी बीच में उठ के। और आज मैं इसको छोड़ने भी नहीं जाऊंगी, इसको ऑटो वगैरह बुक करा देंगे, मजबूरी है क्योंकि देव सो रहा है, देव का ना, देव को मैं उठाती हूँ 7:45, उसका 8:30-9 बजे, मतलब 8:35-40 पे मैं लेके जाती हूँ उसको, तो इस वजह से उसको, वो अकेले है तो मतलब मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊँगी, इनके लिए ऑटो ही बुक होगा आज। तो यहाँ पे चलिए मैं कपड़े प्रेस करके फिर जा रही हूँ पास्ता बनाने। और देखिए यहाँ पे मैंने इनका टिफ़िन उफिन पैक करके और इनको भेज दिया शांतनु को, ये चले गए और अकेले ही जाएंगे। और ओला उबर से कर दो ना तो सेफ से चले जाते हैं बच्चे, कई बार गया है ये, कोई नहीं, तो यहाँ पे उनको मैं भेज देती हूँ, तो पास में ही है लेकिन ठीक है, बच्चों को सेफ्टी चाहिए, इससे पता चलता रहता है कि हाँ ऑटो कहाँ तक पहुँचा नहीं पहुँचा, तो देखते रहते हैं ये बुक करके, फिर देखते भी रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आके मैं अब ये वाला छोटा वाला कमरा ठीक कर लेती हूँ, जो छोटे मोटे काम पड़े हैं ये सब कर लूँगी, देव अभी उसमें सो रहा है तो बड़े वाले बेडरूम का भी ठीक नहीं करूँगी, और उसके बाद उसको उठा के और तैयार व्यार करके 9:45 बजे उसको छोड़ के आके फिर नहाना धोना जो भी होगा मेरा, पूजा पाठ, आज पूजा पाठ भी रहता है शंकर भगवान की तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है करने में, तो ये सब चीज़ें मैं कर लूँगी। और यहाँ पे इस वाले कमरे को पहले ठीक कर लेते हैं। आज व्रत है ना तो दोनों चादरें मैं चेंज करती हूँ, क्योंकि व्रत वाले दिन ना मैं कहीं बैठती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, बच्चे खाना वाना खा के कुछ गिराए रहते हैं। अच्छा दो दिन से मौसम इतना सैटरडे संडे में अच्छा था ना, कि खैर मौसम तो अच्छा था लेकिन कपड़े नहीं धुल पाए थे, कपड़े 2 बार का हो गए हम बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं जो है मतलब लगा देती हूँ, जब तक नहाना धोना पूजा पाठ होगा कपड़े धुल जाएंगे। तो बाहर अच्छी खासी आज धूप हुई है और लग रहा है कि आज फिर उमस वाला दिन होगा। तो हेलो जी, देखिए ये मेरा जो है नहाने धोने का बात का है, पूजा पाठ सब हो गया है, सारे काम निपट गए हैं, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूंगफली, और उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों के लिए आलू बॉईल कर लूँगी, पराठे बना दूँगी। और व्रत वगैरह में पराठे बना दो, थोड़ा कम बर्तन वगैरह भी होते हैं और मेहनत भी कम रहता है, तो इस वजह से मैं उन लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं मूंगफली का हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चाय के साथ ना मूंगफली नहीं अच्छा लगता है ऐसे खाने में, तो लेकिन हलवा बना लो ना तो पूरा मतलब अच्छा रहता है, टेस्टी भी लगता है और हैवी भी रहता है, पेट में काफ़ी टाइम तक टिका रहता है वो तो। और व्रत में बार बार खाना भी अच्छा नहीं रहता है कि आप व्रत हो और बाहर चीज़ें लेके, एक दिन तो हम भगवान के नाम पे रह रहे हैं। तो चलिए थोड़ी मूंगफली और चाय के साथ आपसे बात, भूल रहा है लेकिन मैं कम करके आ गई हूँ क्योंकि उसको धीमी आंच पे भूनते हैं ना, तो इसीलिए। और आप लोगों से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, क्या होता है ना आजकल क्या हो गया है ना कि किसी से बातें नहीं होती, जैसे मैंने बताया है कि मैं तो खैर किसी से बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन आप लोगों से नहीं करते हैं ना तो मन नहीं लगता है, तो इस वजह से। और ये अच्छा भी है ना, लगता है कि हाँ चलो कोई नहीं है तो आप लोग हैं हमारी बातें सुनने के लिए, और इससे अच्छा तो लगता है कि कुछ है ही नहीं, लगता है कि सामने बैठ के आप लोगों से बातें हो रही है। तो जैसे मेरी वीडियो में आप लोगों को लगे कि हाँ क्या खराबी है तो आप बताएंगे तभी मैं सुधार पाऊंगी, कमेंट करिए कि ये चीज़ सुधारिए, इस चीज़ में आपके मतलब वो लग रहा है, तो आप अगर कमेंट करेंगे ना तो मैं उस चीज़ में फिर से सुधार लाऊंगी जैसे भी हो सकेगा। और मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ तो आप लोग भी मेरे से वैसे ही दिल से जुड़िए, ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ, कंटिन्यू कर सकूँ, अपनी लाइफ का कुछ दिखा सकूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में दिल से, आप ही लोगों से जुड़ने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इधर उधर की बातों और उनसे ना मैं बहुत मतलब ऊब गई हूँ, मन नहीं करता आप किसी से ऐसे
क्योंकि फ़ोन करो ना तो जरूर, मान लीजिए वो सामने वाला कुछ कहता है, हम भी कुछ कहते हैं, मुंह से अगर कोई बात निकली तो फिर उस बात का ना बड़ा वो होता है, इशू बन जाता है, तो घर मतलब ऐसे लगता है ना कि कहीं मत बात करो, आप लोगों से करो, कुछ भी कह दो आप लोगों को कभी बुरा नहीं मान सकते हैं इस वजह से, और इसीलिए। और मैं किसी दिन आप लोगों से ना बताऊंगी अपनी छोटी सी थोड़ी बहुत कहानी जो भी है लाइफ की ना, मैं ज़रूर शेयर करूंगी, अभी नहीं कर पा रही हूँ। जब आप लोग थोड़े से ज़्यादा कमेंट करेंगे ना कि बताइए ये चीज़, तो मैं उस पर फिर बताऊंगी, तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी समझ पाऊंगी कैसे बनाऊँ क्या करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ा सा वो करते हैं। और मूँगफली का हलवा भी शेयर कर देंगे इसी बहाने से व्रत में, तो आज मंडे का दिन है जैसे आप लोगों को पता ही है, आज मंडे है, और फिर अभी गणेश चौथ आएगा तो उसका भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों से कि हमारे यहाँ कैसे होता है। तो जुड़े रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो मेरा। तो जी यहाँ पे जो है मेरी मूँगफली अब भून गई है, बस हल्का सा वो करना है, और मैं कम आँच पे इसलिए भून रही हूँ ना कि इसके छिलके पूरे उतारने हैं, क्योंकि हलवा में ना फिर सफ़ेद सफ़ेद दिखता है तभी अच्छा लगता है, छिलके रहेंगे ना तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो चाय भी बन गई है मेरी और मूँगफली भी 2 चम्मच ले लूँगी, और उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद जो है इसके छिलके उतारूँगा। बहुत आसानी से निकल जाते हैं, देखिए एकदम वाइट दाने आपको दिख रहे होंगे इसमें, एकदम वाइट हो जाते हैं। और ऐसे ही मैं ना अगर चटनी भी बनाती हूँ ना इडली वगैरह पर, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो है मूँगफली पिस गए हैं और उसके बाद एकदम वाइट ही हुए हैं। थोड़ा सा घी, इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता एकदम से, घी ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है। इसको फिर कम आंच पे भूनिए, भूनते भूनते इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और उसके बाद मैंने इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी डाला है और दूध डाल के मैं इसको पका रही हूँ। और जब सूख जाएगा ना तो एकदम ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी, थोड़ी दोपहर में खाऊँगी बच्चों को लाने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।